यह खबर उत्तराखंड से नहीं आई, यह बीजेपी के घर में एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत, और भविष्य की राजनीति इस पर टिकी हुई है जितना मैं समझ पाया बीजेपी को। क्या संकेत आया, क्या संदेश आया प्रमुख साहब, कि हम एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर दाव लगाते हैं, उन्हें सीएम बनाते हैं। धामी खटीमा से चुनाव हारे लेकिन बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया, फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। पार्टी के भीतर से ही आवाज उठ रही थी दबे सुर में, जो दिल्ली भागम भाग कर रहे थे, क्या कह रहे थे कि हारे हुए को क्यों क्यों सीएम साहब बनाया जाए। उन्हें जवाब मिला। इस बड़ी खबर से मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है प्रमुख साहब। कहानी क्या शुरू होती है? हेमवती नंदन बोगड़ा को किसने हराया था? अमिताभ बच्चन ने। गोविंदा से कौन हारा था? राम नाइक, राम नाइक। तो क्या उनका वजूद और उनका कद कम हो गया राजनीति में? अमिताभ हेमवती नंदन बोगड़ा को चुनाव हरा देते हैं, गोविंदा राम नाइक को चुनाव हरा देते हैं, लेकिन क्या उनका कद और वजूद कम हो जाता है? नहीं ना। अब प्रमुख साहब मुझे एक बात बताइए, क्या इसी सिद्धांत के हिसाब से, क्या इसी सिद्धांत के हिसाब से जो उत्तराखंड में सिद्धांत बीजेपी ने रखा और कायम किया, क्या उसी सिद्धांत के हिसाब से 25 तारीख शाम 4 बजे क्या केशव प्रसाद मौर्य भी शपथ लेंगे? यस और नो, लगता आपको? देखिए तिलक सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा दल है, विश्व का नंबर वन दल, भारत की तो नंबर वन पार्टी है, विश्व का नंबर वन राजनीतिक दल है, और एक चैनल पर बैठकर कोई गारंटी इस बात की नहीं हो सकती कि होने वाला क्या है। क्यों? इतना बड़ा परिवार है, इतना इतनी बड़ी शानदार जीत, ये बीजेपी है, सिद्धांत कायम किया ना आपने। मेरा तो एक छोटा सा सवाल है कि भैया जिन्होंने निपटाने की कोशिश की, धामी को निपटाने की जिन्होंने कोशिश की, पार्टी में भीतर घात हुआ हुआ ना, उन्हीं को ही सीएम का मौका दे दिया। तो यही सिद्धांत तो केशव प्रसाद मौर्य पर भी लागू होता है। केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं? केशव प्रसाद मौर्य शाम 4 बजे 25 तारीख को शपथ लेंगे कि नहीं डिप्टी सीएम की? मैं ये कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले नैतिकता के तौर पर और हमको बधाई देनी थी कि हमने 5 में से 4 राज्यों में बड़ा बहुमत हासिल किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे पैनल को, पूरे जितने दर्शक देख रहे हैं, सबको बधाई देती हूँ, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबको नौकरी दे दो, जितने रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं सबको पकड़ पकड़ के नौकरी दे दो, मैं बधाई दूंगा आपको। देखिए वो भी करेंगे अभी, लेकिन जो बनता है आपका, जो बनता है वो करनी चाहिए थी। नैतिकता तो मेरी यही कहती है कि भैया जब सबको रोजगार दे दो, आप विपक्ष में होंगे सत्ता पक्ष में होंगे, मैं तो सवाल सत्ता पक्ष से करता हूँ। मैं आपसे कि मुझे ये बता दो, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम मिलना चाहिए था। ये अगर मुझे पता भी होगा तब ही नहीं बोलूंगा मैं आपके कहने से, क्योंकि मेरे सीनियर भी बहुत जबरदस्त है।